गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर क्यों उठता है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के मुकाबले कम होता है। जब हवा को गर्म किया जाता है तो वह फैलती है और घनत्व कम होने के कारण हल्की हो जाती है, जिससे वह ऊपर उठने लगती है। यह हवा के गर्म होने के कारण फैलती है। इस कारण हवा का घनत्व कम हो जाता है और वो हल्की हो जाती है और गुब्बारे के ऊपर उठने लगती है। आजकल गुब्बारे नायलॉन से बने होते हैं, जिसके कारण यह हवा उनमें निकलती नहीं है। यह गुब्बारा हवा में होता है तो प्रोपेन बर्नर के द्वारा लगातार जरूरत के हिसाब से हवा को गर्म किया जाता है और इस प्रकार यह गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता है। क्या आपको पता है कि मकड़ी जाला क्यों बनाती है? अगर नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। दरअसल मकड़ी के शरीर में से जाल बनाने के लिए एक धागा जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है। यह धागा मकड़ी की रेशमी ग्रंथि से निकलता है। यह पदार्थ शुरू में चिपचिपा होता है, इसी कारण यह आसानी से चिपक जाता है। हवा के संपर्क में आके यह पदार्थ धागे के रूप में बदल जाता है। मकड़ी अपने इस जाल का प्रयोग अपने शिकार को फंसाने के लिए करती है। यही कारण है कि मकड़ी जाल बनाती है। क्या आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश पीला क्यों दिखता है? अगर नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। दरअसल सूर्य हमें पीला हमारे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के कारण दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है वह प्रकाश छोटे छोटे कण यानी फोटोन के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। यह फोटोन नीले, इंडिगो और बैंगनी रंग के होते हैं और जब ये फोटोन हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो बिखर जाते हैं। लेकिन लाल, नारंगी, पीला रंग बहुत कम बिखरते हैं, क्योंकि दिन में पीला रंग सबसे कम बिखरता है, इसलिए हमें दिन में सूरज पीला नजर आता है। लेकिन सूर्य का वास्तविक रंग सफेद होता है। क्या आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में खाना खराब क्यों नहीं होता है? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से बहुत कम होता है, जिस कारण फ्रिज में रखी खाने वाली चीजों में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं और खाना कई दिनों तक खाने योग्य रहता है। दूध से बनी हुई चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं। बहुत लोग इसी कारण सर्दियों में भी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि फ्रिज में खाना खराब नहीं होता है। क्या आपको पता है कि खाली कमरे में आवाज क्यों गूंजती है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। जब कमरे में सामान होता है तो वो आवाज या ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण आवाज गूंजती नहीं है। लेकिन जब कमरा खाली होता है तब ध्वनि या आवाज खाली दीवारों से टकराकर हमारे पास वापस आ जाती है, जिससे हमें आवाज गूंजती हुई प्रतीत होती है। ऐसा ही खाली कुएं में आवाज देने पर होता है, तो इसीलिए खाली कमरे में आवाज गूंजती है। फैक्ट नंबर 1, मनुष्य के जन्म होने से लेकर बड़े होने तक प्रत्येक अंग बढ़ता है, लेकिन आंखें जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहती हैं। फैक्ट नंबर 2, हाथ की उंगलियों के नाखून पैरों की उंगलियों से 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, हमारे शरीर में सबसे पतली चमड़ी हमारे आँखों की होती है, जो कि 0.2 से 0.5 mm तक होती है। फैक्ट नंबर 4, मनुष्य की एक आँख का वजन महज 7.5 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 1, मंगल ग्रह पर सूर्यास्त का रंग नीला होता है। फैक्ट नंबर 2, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, आसमान के सब तारे अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन हमें एक रंग के ही दिखाई देते हैं, जो तापमान में परिवर्तन के कारण एक रंग के दिखते हैं। फैक्ट नंबर 4, मनुष्य का दिल 30 फीट की ऊंचाई तक रक्त को फेंक सकता है। फैक्ट नंबर 5, शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के एक साल से भी बड़ा होता है। क्या आपको पता है कि वायुमान की खिड़की गोल क्यों होती है? चलिए जानते हैं। जब वायुमान का आविष्कार हुआ था तब इसकी खिड़कियां गोल न होकर चौकोर होती थी, लेकिन वर्ष 1953 में 2 विमान दुर्घटना हुई, जिनकी वजह वायुमान की खिड़कियों का चौकोर होना पाया गया, क्योंकि चौकोर होने के कारण खिड़कियों में 4 कोने बन जाते थे, जहां हवा रुक जाती और वह प्रेशर पड़ने की वजह से टूट जाते थे। इसी कारण खिड़कियों को गोल बनाया गया, जिसकी वजह से प्रेशर वितरित हो जाता है और दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है, तो इसीलिए वायुमान की खिड़की गोल होती है। आपने मिट्टी के बर्तन में पानी तो पिया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा क्यों रहता है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। दरअसल पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण की क्रिया पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ही ज्यादा ठंडा होगा। मिट्टी के बर्तन में धातु के बर्तन की अपेक्षा वाष्पीकरण की क्रिया इसलिए हो पाती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। घड़े का पानी इन्हीं छिद्रों से होकर घड़े की सतह तक आता है और बाहर की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रक्रिया में घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है। वाष्पीकरण की यह क्रिया सिर्फ गर्मी के मौसम में अच्छे प्रकार से हो पाती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में धातु के बर्तन की अपेक्षा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है।
आपको पता है कि बारिश क्यों होती है? अगर नहीं पता है तो चलिए जानते हैं। दरअसल पानी पृथ्वी से जल वाष्प के रूप में आकाश में पहुंचता है, और जब यह जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ठंडी हवा से टकराती है तो यह संघनन होकर बादल का निर्माण करते हैं, और जब इस जल की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाती है तो बादल भारी होने के कारण जमीन के नजदीक आ जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर बारिश के रूप में गिरने लगते हैं, तो इसलिए बारिश होती है।